हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा IDBI बैंक एग्ज़ाम के कुछ रियल क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि IDBI बैंक और SBI PO और दूसरे सभी बैंक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मेरा रेफरल कोड बसंत सिंघल 2210, और इस रेफरल कोड के थ्रू मेरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसके इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से अनअकैडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये है IDBI बैंक के बैंक एग्जाम के रियल क्वेश्चंस। और डबल फ्लश के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस समय डबल फ्लश पूछे जा रहे हैं और ट्रिपल फ्लश के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक लिंक देखनी होती है, और यदि लिंक मिल जाती है तो वहां पर क्वेश्चन आपका पूरे तरीके से सही हो जाता है। देखिए, यदि आप इस पूरे सेंटेंस को ना पढ़ें और केवल यहां पर देखें इकोलॉजिकल, तो इकोलॉजिकल के साथ क्या वर्ड आ सकता है इसमें? इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो इकोलॉजिकल क्या होता है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। तो सेकंड में यदि इम्बैलेंस आएगा तो फर्स्ट में यहां पर ग्रीड आएगा। ठीक है, द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दे कट द ट्री एंड किल द एनिमल्स, क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो ये है डबल फ्लश के क्वेश्चन। और यदि आप ट्रिक से करते हैं इन क्वेश्चंस को, जो मैंने लॉजिक बताया है, तो उससे आप विद इन सेकेंड्स ना केवल क्वेश्चंस को कर पाएंगे बल्कि एक्यूरेटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब इन वर्ड्स के मैं मीनिंग बता देता हूँ। पैरिटी सिमिलरिटी होता है, लस्ट का मतलब भी एक एक तरह का लालच ही होता है, ग्रीड लालच, बाउंटी का मतलब क्या होता है, जेनरस या बहुत ज़्यादा, डिस्पैरिटी डिससिमिलरिटी, ग्लूटनी, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको हम बोलते हैं ग्लूटनी, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खाने की जो प्रवृत्ति होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लूटनी। ग्लूटनी एक नाउन है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच का एप्लीकेशन समझना जरूरी है, और पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक ये सेकंड क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। रैंसम वेयर का नाम आपने सुना होगा। रैंसम वेयर क्या होता है? रैंसम वेयर में कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो डेटा को अफेक्ट करती हैं, पूरा किसी कंपनी का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जैसे करप्ट कर दिया, खराब कर दिया, और उसको सही करने के अगेंस्ट वो कंपनीज कुछ रैंसम की डिमांड करती हैं, कुछ फिरौती की डिमांड करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैंसम वेयर। तो रैंसम वेयर इज ऑफन इनफ। अब इनफ के साथ यहाँ पर कौन सा वर्ड जुड़ सकता है? नॉर्मली हम बोलते हैं इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ, क्लेवर इनफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड जुड़ सकते हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रैंसम वेयर इज ऑफन इनफ टू स्कैन योर होम नेटवर्क एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स एंड इवन नेटवर्क स्टोरेज ड्राइव्स, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैकअप ऑन एन एक्सटर्नल ड्राइव दैट यू डिसकनेक्ट एंड सेफली। अब देखिए, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहां पर हम लगाएंगे स्मार्ट और यहां पर हम लगाएंगे कीप। देखिए, कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि यहां पर हम पुट भी लगा सकते हैं, हालांकि पुट और कीप का मतलब सेम ही है। पुट के और भी कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन कीप का मतलब रखना ही होता है। इसके अलावा यहां पर हम डिवाइस के लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो डिवाइस के लिए हम स्मार्ट ही लगा सकते हैं, क्लेवर नहीं, क्योंकि क्लेवर एक ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है। ठीक है, स्मार्ट को आप डिवाइस के साथ लगा सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन हम बोलते हैं, हम क्लेवर फोन नहीं बोलते, हम स्मार्टफोन बोलते हैं। तो स्मार्ट एक डिवाइस ओरिएंटेड वर्ड है, टूल ओरिएंटेड वर्ड है, जबकि क्लेवर एक ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है। तो इसलिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो ये है सही तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, ऐसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को, और ये रियल क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। फूड टेक कंपनी जोमैटो माइट बी सियरिंग इन द स्टिल स्मोकिंग एम्बर्स ऑफ लास्ट वीक सिक्योरिटी ब्रीच, बट द कंपनी इज द टफ कॉर्पोरेट टाइट रोप ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाय एक्सपाउंडिंग ऑन हाउ द अनआइडेंटिफाइड एथिकल हैकर। देखिए, यहां पर
इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर एक वायलेशन हुआ है कुछ। हैकर क्या करते हैं, हैकर वायलेट करते हैं किसी चीज को, नियमों का उल्लंघन करते हैं हैकर। तो यहां पर एक वायलेशन से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या लिंक है, रोप। रोप मतलब क्या होता है, रस्सी। तो रस्सी पर हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहां पर वॉकिंग आ जाएगा, यहां पर ब्रीच, ब्रीच आ जाएगा। ब्रीच का मतलब होता है वायलेट करना, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक इनके बनाए जाते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चंस मैं बहुत डिटेल में इस समय पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर। तो यदि आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द कोलैप्स हैड लिटिल टू डू विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड टू डू विद रैकलेस बैंक्स। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, लिटिल का क्या मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि कोलैप्स की बात हो रही है, कोई कंपनी कोलैप्स हुई है, डैमेज हुई है, उसकी बात हो रही है। दैट कोलैप्स हैड लिटिल टू डू विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड। उस कंपनी का जो कोलैप्स हुआ उसका ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड से ज़्यादा लेना देना नहीं था, उसका ना के बराबर लेना देना था। द कोलैप्स हैड नथिंग टू डू विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उस कंपनी का जो कोलैप्स हुआ इसकी वजह से नहीं हुआ बल्कि इसकी वजह से हुआ, पूरी तरीके से ये इसमें रिस्पॉन्सिबल था। तो लिटिल का मतलब क्या है, ना के बराबर। तो ना के बराबर का उल्टा यहाँ पर आएगा कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं थी बल्कि ये चीज़ पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल थी। तो यहाँ पर यदि लॉजिक आप लगाएं तो यहाँ पर आप एवरीथिंग ही लगा सकते हैं। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, और इसके साथ फ्री मार्केट के साथ यहाँ पर आ जाएगा ऑब्सेशन। अनलीश का मतलब क्या होता है, अनलीश एक्चुअली आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स को हम चेन से बांधते हैं तो उस चेन को हम अनलीश बोलते हैं। अनलीश कर दिया मतलब रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। डीरेगुलेशन मतलब कंट्रोल सारे हटा दिए उनको, उसको हम बोलते हैं डीरेगुलेशन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब आप यहां पर देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, यदि आप लॉजिक लगाएं तो विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपने नाम सुना होगा रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड एक फुटबॉल टीम है और यहां पर हम बोल रहे हैं सिक्स्थ रिकॉर्ड, सिक्स्थ मतलब इसमें एक के बाद एक लगातार किसी जीत की बात हो रही है। रिकॉर्ड सिक्स्थ मतलब छः बार एक के बाद एक छः जीतें हुई हैं। तो एक के बाद एक बैक टू बैक के लिए हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव आ जाएगा क्योंकि ये जो टीम है इस टीम के अगेंस्ट किसी ने जीत हासिल की है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या आंसर होगा, कंसेक्यूटिव और अगेंस्ट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है और ऐसे आप करते हैं तो एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई लेवल की आएगी और क्वेश्चंस भी आप विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्पॉटिंग एरर के और ये आप देख सकते हैं कि रियल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहां पर ए बी सी एंड डी ये चार सेंटेंस दिए हैं, चार सेंटेंसेस में से कौन से करेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर बनेगा। एक करेक्ट हो सकता है, दो करेक्ट हो सकते हैं, तीन करेक्ट हो सकते हैं, चार करेक्ट हो सकते हैं, और यदि एक भी करेक्ट नहीं है तो नन ऑफ द सेंटेंस इसमें आपका आंसर बनेगा। यहां पर देखिए यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो डिस्कस के बाद हम अबाउट नहीं लगाते क्योंकि डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट, तो डिस्कस अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता, यानी ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां पर देखिए एन इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंटाइज, लेडन मतलब लदा हुआ था, एक भारतीय जहाज जो लदा हुआ था मर्चेंटाइज से, सामान से, गॉट ड्राउंड। ड्राउंड हम लिविंग बींग्स के लिए लगाते हैं, सिंक हम नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। आई कुड नॉट पुट अप एट ए होटल, पुट अप का मतलब रहना होता है, मैं उस होटल में ठहर नहीं सका क्योंकि उसके बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेज बहुत ज्यादा थे। तो किस होटल की बात कर रही है, क्या ये कोई भी होटल हो सकता है या एक पर्टिकुलर होटल है, ये एक पर्टिकुलर होटल की बात हो रही है। तो यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे। अब यहां पर देखिए द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर इज फ्री नाउ फ्रॉम नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, सेल्फिश इंटरेस्ट। क्या ये सेल्फिश इंटरेस्ट जो है ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर नहीं है,
सेल्फिश इंटरेस्ट जनरल होते हैं, तो इसलिए इससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। यानी चारों सेंटेंस गलत हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो इस वीडियो क्लास में मैंने यहां पर आपको यह बताया है कि ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है, यह है सही ट्रिक। और ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इन क्वेश्चंस का जवाब आप विद इन सेकेंड्स दे सकते हैं, 4-5 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में कराऊंगा, ये रियल क्वेश्चंस हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको करा दूंगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।